हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोजी हेल्थ एंड आर्ट। आज मैं लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्यूट लोटस ड्रेस घर पे बनाना सिखाऊंगी। इसे दिखने में जितना ही सुंदर है, ये बनाने में उतना ही इजी है। इसको हम बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं। इस जन्माष्टमी में गोपाल के लिए ये फटाफट तैयार कर सकते हैं घर पे ही, मार्केट जाने का ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते क्या है आज का वीडियो। ये देखिए, मेरे पास है साटिन रिबन, पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का लिया है मैंने। और मैंने 8 सेंटीमीटर के हिसाब से रिबन को काट लिया। मैंने पहले से कुछ टुकड़ों में इसको काट के रखा है। एक एक करके हम इसका जो लोटस फ्लावर जैसा ड्रेस दिखने में लग रहा है, तो इस फ्लावर का हम पेटल्स बना लेंगे। ऊपर का जो पोर्शन है, ग्लेज वाला पोर्शन, इसको हम पहले से देखिए, दोनों एजेस को ऐसे पकड़िए और दोनों एजेस को ही एक साथ एकदम ग्लू से चिपका दीजिए, तो ये एक एक पेटल्स ऐसे तैयार हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। और इस टाइम पे जन्माष्टमी के लिए हम घर पे ही हमारे प्यारे लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना सकते हैं। बहुत ही आसान है ये बनाना। देखिए, मैंने कुछ ऐसे 8 सेंटीमीटर के हिसाब से सब फ्लावर का जो मेजरमेंट्स है पेटल्स का, ये बराबर रखना है। तो ऐसे हम काट लेंगे पहले 8 सेंटीमीटर के हिसाब से और फटाफट ऐसे ही चिपका देंगे। देखिए, मेरे पास कुछ पहले से तैयार किया हुआ है पेटल्स लोटस फ्लावर का। आप कुछ दूसरा भी कलर ले सकते हैं। मेरे पास, मैंने ये एक मोटा पेपर लिया है, इसका मुझे एक CD के नाप से ये है फैब्रिक, येलो कलर का फैब्रिक अभी अवेलेबल है मेरे पास। तो मैंने इसके हिसाब से, पेपर के हिसाब से फैब्रिक को भी काट के रखा है। एक CD के हिसाब से, CD प्लेयर जो आता है, मैंने उसके हिसाब से नाप लिया है और पूरा राउंड शेप में काट लिया। फिर बीच में जो पोर्शन है, इसका भी बीच में एक बोतल का कैप लगा के बीच का जो पोर्शन है, इसको भी काट के निकाल दिया। ये देखिए, जो फैब्रिक का भी सेम तरीके से मैंने काट लिया और अभी चिपका रही हूँ कैसे, ये भी आराम से चिपका जाएगा। और जो ग्लू दिख रहा है व्हाइट, ये भी सूखने के बाद बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं दिखेगा। घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है और ये 5 मिनट के अंदर ही एकदम चिपक के बैठ जाएगा, निकलेगा भी नहीं। तो ये जो फैब्रिक येलो कलर का है, ये भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो एक एक करके हम पेटल्स लगा देंगे इसके ऊपर, तो पूरा ये फैब्रिक ढक जाएगा पेटल्स से। अभी मैं किनारे के तरफ जो एजेस के तरफ पहले से लगाते जाऊंगी एक एक करके। बिल्कुल भी इसको पास पास लगाइए, अपने अंदाजे के हिसाब से लगाइए। देखिए, कोई भी गैप ना छोड़े, नहीं तो ये जो फैब्रिक है इसका कलर दिखेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप फटाफट ग्लू लगाते जाइए और एकदम ये पेटल्स जो राउंड शेप में, मैं इसका 3 राउंड बनाऊंगी, तो ये थोड़ा सा हैवी दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगा, गैप बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। मैक्सिमम इसको बनाने में 10 मिनट टाइम लगता है। ये हो गया मेरा 1 राउंड कंप्लीट। अभी दूसरा राउंड में भी मैं थोड़ा सा पहले ग्लू से चिपका दूंगी। और ये जो है वीडियो, अगर प्लीज़ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी बहुत ही नज़दीक आ गया, तो इस टाइम पे हम ये वीडियो शेयर करेंगे तो घर पे फटाफट ये जो ड्रेस है, अभी मार्केट जाने का ज़रूरत नहीं, घर पे हम तैयार कर सकते हैं इस बार। और ये मेरे चैनल कोजी हेल्थ एंड आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैंने कैसे फिर से और 1 राउंड तैयार कर लूँगी चिपका के। और ये जो ड्रेस है, ये बिल्कुल भी लोटस फ्लावर जैसे दिखता है ऐसे ही दिखेगा। तो लड्डू गोपाल जी को हम लोटस फ्लावर को ऊपर रखेंगे हमारे प्यारे ठाकुर जी को, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक एक करके मैं ऐसे 2 राउंड और तैयार कर लूँगी। आपको पास कोई कॉन्ट्रास्ट कलर का है रिबन तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे इसको सिर्फ पिंक कलर का जो फ्लावर है ऐसे ही बनाना चाह रही हूँ। ये देखिए, मेरा पूरा ये कम्प्लीट हो गया जो पेटल्स है। अभी ये बिल्कुल भी लग रहा है कि एक लोटस फ्लावर। और फिर से मैं, मेरे पास कुछ बीड से मोती, तो मैं इसको चिपका दूंगी ये राउंड में। आप कोई भी वर्क ले सकते हो, जरी वर्क या तो गोटा लगा सकते हैं। मेरे पास कुछ बीड से कंट्रास्ट कलर के पिंक लिया है मैंने और लिया है ब्लू, तो ये कंट्रास्ट कलर के बीड्स में चिपका लूँगी। और मैंने जो साइड से दोनों ये कट करके रखा था, उसके मेरे पास भी है ये लेस लगा दूंगी साइड में। गोटा जो है बहुत ही बारीक और ये भी गोल्डन कलर का है, दिखने में भी बहुत ही सुंदर है, तो इसको लगा दूंगी।
और ये गोटे का जो एजेस है इसमें थोड़ा सा धागा दिख रहा है, तो इसमें भी एक एक करके मोती चिपका दूंगी। तो ये तैयार हो गया ऑलमोस्ट जो मेन पोर्शन है ड्रेस का। ये देखिए बहुत ही ये क्यूट दिख रहा है, सुंदर। और इसमें भी मैं मोती लगा दूंगी, एक एक करके चिपका दूंगी दोनों साइड में भी, इधर एक और ऊपर के तरफ और एक मोती लगा दूंगी ताकि ये कंप्लीट दिखे। और अभी ऊपर का जो पार्ट है ये तैयार कर लूँगी। ये जो बीड्स है ये भी मैंने फैब्रिक से जो ग्लू से चिपकाया है, फैब्रिक वाला ग्लू से, ये भी फटाफट सूख जाता है। कोई भी बीड्स गिरने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, 5 मिनट के अंदर एकदम सेट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं इसमें वर्क करूँगी बीड्स का ही। देखिए पूरा फ्लावर जैसा, पेटल जैसा दिखना चाहिए ड्रेस को। तो ये एकदम थोड़ा थोड़ा गैप में मैंने और दो ग्लू चिपकाते जाऊंगी और दो बीड्स ग्लू से अटैच कर दूंगी। तो ये कंप्लीट फ्लावर जैसा दिखेगा, लोटस फ्लावर के शेप में ये ड्रेस लग रहे हैं। और हम इसको सुखा लेंगे, 5 मिनट गैप देंगे साइड में रख के, और फिर जो नेक्स्ट ऊपर का पार्ट है इसको भी तैयार कर लेंगे। मेरे पास दो गोटा है, मैंने इसको काट लिया है लेस को, और फिर इसको एक क्रॉस जैसा बना के चिपका रही हूँ मैंने दोनों एजेस को। पहले दोनों एजेस को चिपका के अच्छी तरह से इसको चिपकाइए ताकि ये बाहर ना निकले। और मैंने ये थोड़ा सा ऊपर में ग्लू लगा के इसको फिर जो ड्रेस का नीचे का पोर्शन है इसमें मैं चिपका दूँगी। ऊपर चिपकाएंगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो मैंने इसके नीचे की तरफ चिपका दूँगी। और दोनों जो एजेस है इसको भी मैंने जहाँ पर कट किया था ये थोड़ा सा ग्लू लगा के फिर से नीचे के तरफ चिपका लूँगी। मैं इसको पलट के दिखाती हूँ कैसे चिपकाना है ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़ जाए और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इसमें। देखिए मैं फिर से इसको पलट के एक बार दिखाती हूँ कैसा है। अच्छे से इसको चिपका लीजिए, ये देखिए फिर से मैंने ग्लू हटा के थोड़ा सा और ग्लू लगा के दिखा रही हूँ कैसे। इधर चिपका लीजिए दोनों को जॉइंट करके पहले, और दो जो एजिस का जो कट है मैंने लगा के रखा था ये दोनों साइड में चिपका लीजिए, तो ये भी एकदम टाइट सिक्योर हो जाएगा, ये भी नहीं निकलेगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तैयार हो गया 10 मिनट के अंदर हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का ड्रेस इस बार, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।